गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं इकाई दो, और इकाई दो में साझेदारी लेख है जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे अधिक नंबर इसी पर रखे गए हैं। उनके विकल्पों की बात मैं यहां पे करूंगा और इनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ साझेदारी, संपूर्ण साझेदारी से संबंधित जो विकल्प दिए गए प्रश्न बैंक में उनको हम हल करने वाले। तो ले चलता हूँ सीधे आपको मैं उस प्रश्न बैंक के उत्तर की ओर, जिसमें पहला है सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पे देखिए पाँच क्वेश्चन विकल्प में दिए गए हैं। पहला है समझौते के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। ऋण पर ब्याज की बात की जा रही है कि ऋण पर ब्याज कितना दिया जाता है समझौते के अभाव में, अर्थात जब साझेदारी हुई थी उस समय समझौता नहीं किया गया था, संलेख नहीं बनाया गया था और हमने ऋण लिया है फर्म के लिए, तो ब्याज कितना दिया जाएगा? 4% दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा, 9% दिया जाएगा या 5% दिया जाएगा? और सही जवाब यहाँ पे होता है 6% दिया जाएगा। आपको बिल्कुल याद रखना, ऋण पर ब्याज 6% दिया जाता है। आपने समझौता किया है या नहीं किया है, जब किया है तो जो अनुपात आपने रखा है वह दिया जाएगा, लेकिन यदि समझौता नहीं किया है तो 6% की दर से ऋण पर ब्याज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख तैयार करना क्या अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य है या अनावश्यक है? जो साझेदारी संलेख है, यह जो साझेदार होते हैं उनके जो समझौते होते हैं, अनुबंध होता है, उसमें जो अनुबंध लिख लिया जाता है या मौखिक रख लिया जाता है उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं या एक प्रलेख होता है। लेकिन अब जो साझेदारी संलेख है तो तैयार करना क्या अनिवार्य है या ऐच्छिक है या अंशतः अनिवार्य या अनावश्यक है? तो यह ऐच्छिक है, साझेदारों की इच्छा पर यह निर्भर करता है कि वो संलेख बनाएं या ना बनाएं। अगला देखिए साझेदारी व्यवसाय अधिनियम द्वारा संचालित होता है। तो यह क्वेश्चन सबको पता है, सभी को पता होना भी चाहिए, जो हम 12वीं में देखते हैं कि साझेदारी अधिनियम 1930 है, 1932 है, 1956 है या 1932 है। अब देखिए यहाँ पे साझेदारी अधिनियम 1930 यह कोई अधिनियम नहीं है, ठीक है। दूसरा साझेदारी अधिनियम 1932 यह भी नहीं है। कंपनी अधिनियम 1956 यह भी कंपनी अधिनियम साफ लिखा हुआ है। अगला देखिए भारतीय अनुबंध अधिनियम यह नहीं है, अर्थात अब कौन सा हो जाएगा? ये साझेदारी अधिनियम 1932 हो जाएगा, क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा यह संचालित है और यह अधिनियम द्वारा ही यह व्यवसाय संचालित किया जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 यहाँ अनुबंध लिखा है, ये याद रखना, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा आगे देखिए साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजन होता है पूंजी अनुपात में, त्याग अनुपात में, समान अनुपात में, आय प्राप्ति अनुपात में। तो साझेदारी संलेख के अभाव में जो लाभ है इसका विभाजन किस अनुपात में होता है? तो समान अनुपात में साझेदार कर लेते हैं, यहाँ पे नियम है संलेख के अभाव में। देखिए अब सही जोड़ी बनाइए, अब सही जोड़ी बनाने की बात आती है यहाँ पे। लिखित समझौता, चालू खाता, आंतरिक दायित्व केवल व्यक्ति ही और पूर्व समायोजन और दूसरे पक्ष में ए ब पक्ष में स्थायी पूंजी खाता, साझेदार का ऋण, साझेदार बन सकते हैं भूल सुधार या साझेदारी संलेख। अब देखिए लिखित समझौता जो होता है वह कब होता है? जब साझेदारी संलेख बनाया जाता है तब लिखित समझौता होता है। दूसरा चालू खाता कब बनाया जाता है? तो चालू खाता स्थायी पूंजी खाता इसका संबंध हो जाए, क्योंकि स्थायी पूंजी खाता जब बनाया जाता है तो खाते दो प्रकार के बनाए जाता है। एक तो साझेदार का पूंजी खाता बनाया जाता है, पहले साझेदार का पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता तैयार किया जाता है। इस प्रकार से दो खाते बनाए जाते हैं स्थायी पूंजी पद्धति के अनुसार खाता तैयार करने में, और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में जब तैयार करते हैं तो एक ही खाता तैयार कर लिया जाता है, सिर्फ एक साझेदारों का पूंजी खाता। तो आपको समझ में आ गया है चालू खाता स्थायी पूंजी खाते के अंतर्गत तैयार किया जाता है। अब जो आंतरिक दायित्व है
यह क्या होता है, तो जो साझेदार का ऋण होता है यह आंतरिक दायित्व माना जाता है, क्योंकि जो साझेदार होते हैं वो व्यवसाय के ही व्यक्ति होते हैं और उन्होंने यदि ऋण दिया है तो वह आंतरिक दायित्व के रूप में माना जाता है, क्योंकि मालिक ने ही ऋण दिया है। अब और हम बात करेंगे, केवल व्यक्ति ही क्या बन सकते हैं, साझेदार बन सकते हैं, केवल व्यक्ति साझेदार बन सकता है, आपको याद रखना है। और देखिए, आप पूर्व समायोजन कब किया जाता है, भूल सुधार करने के लिए हम पूर्व समायोजन करते हैं, जो भूल हो गई है उसको सुधारने के लिए। तो ये सही जोड़ी आपकी बन चुकी है। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर की हम यहाँ पे बात करते हैं। पूंजी खाता जिसका शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है कहलाता है। तो अभी हमने आपको बताया था परिवर्तनशील पूंजी खाता के नाम से यह जाना जाता है, हम इसे क्या कहते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाता के नाम से यह जाना जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम सदस्य संख्या, पहला तो न्यूनतम सदस्य संख्या एवं अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम जो है वह 2 होनी चाहिए और अधिकतम 50 सदस्य होनी चाहिए। अच्छा, अधिकतम जो सदस्य संख्या, इसका जो अधिनियम में लिखा है, ये कंपनी अधिनियम में लिखा है, यह बात आप याद रखना, कंपनी अधिनियम 2013 में लिखा है 50 की बात। इसके पहले जो कंपनी अधिनियम 1956 चलता था, उस अधिनियम में यह संख्या कम थी, कितनी थी, 10 थी और बैंकिंग कंपनी में, और 20 थी सामान्य साझेदारी में, लेकिन वर्तमान में जो अधिनियम उसमें 50 लिखा हुआ है। अब देखिए, फर्म द्वारा साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है, फर्म साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कब देगा, जब आपने अनुबंध किया है, संलेख बनाया है, तब दिया जाएगा, संलेख बनाने पर दिया जाएगा, यानी अनुबंध होने पर ही फर्म द्वारा साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। चौथा, वे व्यक्ति जो एक दूसरे के लाभ साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं, तो वो सामूहिक रूप से जब एक दूसरे साझेदार शामिल हो जाते हैं तो हम उसे फर्म के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है, लाभ विभाजन करने के लिए हम कौन सा बनाते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन के लिए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कर लिया जाता है, आपको याद रखना होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आते हैं अगली यूनिट पर, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें हम बोर्ड पर आपको समझा देंगे। इकाई 3 पर आते हैं, और इकाई 3 जो है, साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी की सेवानिवृत्ति और मृत्यु से संबंधित इकाई 3 है। हमने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि साझेदारी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन वो एक ही वीडियो में हम बताएंगे, इसलिए ये पूरी जो 2-3 इकाई होगी, 2-3 और एक चौथी भी होगी, वो एक ही वीडियो में हम आपको समझा देते हैं। सही विकल्प चुनिए। विद्यमान साझेदारी के लाभानि अनुपात में परिवर्तन के कारण क्या होगा, साझेदारी का फर्म का पुनर्गठन होगा, साझेदारी फर्म का समापन होगा, साझेदारी का समापन, साझेदारी का विलय, ये कुछ नहीं होगा, ये सब गलत है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाभानि अनुपात में परिवर्तन होता है पुनर्गठन के कारण। दूसरा देखिए, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना पड़ता है, 10%, 5%, 6% या 7%। सही जवाब हो जाएगा 6% की दर से उतने दिनों का ब्याज देना पड़ता है मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को। अगला देखिए, साझेदार के लाभानुपात में परिवर्तन पर संचय का विभाजन होता है, जो संचय होता है उसका विभाजन कैसे करते हैं, हम पूर्व अनुपात में, समान अनुपात में, नए अनुपात में, पूंजी अनुपात में, जो संचय है पुराने लाभों का हिस्सा होता है, इसलिए इसे पूर्व अनुपात में या पुराने अनुपात में ही यहाँ पर बंटवारा कर दिया जाता, पुराने साझेदारों को बांट दिया जाता। ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता कब होता है, संपत्ति के मूल्यांकन के समय अतिरिक्त पूंजी लगाने पर साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन के समय, संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के समय। अब आपको देखना पड़ेगा कि ख्याति कोई साझेदार लाता है या ले जाता क्यों, तो ख्याति जो लाता है वो लाभ में हिस्सा पाने के लिए लाया जाता है, ख्याति लाता है,
या लाभ जो हुआ उसमें हिस्सा देने के लिए ख्याति। और जो पूंजी कोई साझेदार लाता है तो ये साझेदार पूंजी इसीलिए लाता है कि वह स्थायी संपत्ति या दायित्व में हिस्सा उसे प्राप्त हो सके, इसके लिए वह पूंजी लाता है। तो यहाँ लाभ की बात चल रही है, ख्याति से संबंधित है, तो साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन के समय इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, पांचवा, नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाने पर प्राप्त होगा। पहला नया, इसमें से माइनस कर दिए हमने, घटा दिए पुराना, तो क्या बचा, उसे त्याग अनुपात कहेंगे, समान अनुपात कहेंगे, नफे का अनुपात उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही जवाब हो जाएगा नफे का अनुपात। त्याग अनुपात क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात हो जाता है त्याग अनुपात। समान अनुपात तो जानते, सबको एक समान दे दिए, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि नफे या लाभ का अनुपात के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अगला देखिए, रिक्त स्थान, लाभ पाने वाले साझेदार त्यागी साझेदार की खाली स्थान करता है। तो यहाँ देखिए, लाभ जो पाता है साझेदार वह त्यागी साझेदार त्यागने वाले छोड़ने वाले साझेदार की पूंजी की कमी जितनी होगी उसकी कमी, वो कमी की पूर्ति करेगा यहाँ पर, यानी उसकी पूंजी की कमी की पूर्ति करेगा। साझेदार का खालिस्थान साझेदारों के बीच संबंध का परिवर्तन है। साझेदारी का पुनर्गठन जो होता है, पुनर्गठन जो होगा वो साझेदारों के बीच संबंधों का परिवर्तन हो जाएगा। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति हो जाएगी, क्योंकि वह अमूर्त व स्थायी संपत्ति होती है। ख्याति पर खालिस्थान नहीं लगता, तो ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। और नफे के अनुपात में से साझेदारों के अनुपात में क्या होगी, नफे का अनुपात यानी नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात है, तो इसमें से साझेदारों के अनुपात में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि बढ़ रहा है इसीलिए तो नफा हुआ है, फायदा हुआ है, तो ये वृद्धि कहेंगे इसको। सत्य असत्य की बात देखिए, साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। साझेदार सहमत हो गए, अब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है कब, साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब साझेदार सहमत हो जाएंगे तभी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। या फिर दूसरी बात, कोई परिवर्तन होता है तब भी यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो परिवर्तन कब होगा, जब कोई विषम परिस्थिति आएगी तब परिवर्तन होगा। तो साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, ऐसा नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी जिनमें सहमत हो या ना हो ख्याति का मूल्यांकन किया ही जाता है। अब देखिए, अधिलाभ सामान्य लाभ से अधिक लाभ होता है। जो अधिलाभ होता है, ये जो सामान्य लाभ होता है उससे अधिक होता है, बिल्कुल सत्य है, होता है, क्योंकि अधिलाभ नाम ही है अधिक लाभ। तीसरा, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य नहीं होता, ये असत्य है, समर्पण मूल्य होता है, इसे समर्पित किया जाता है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को। अगला, ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का अधिकार नहीं होता। ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का अधिकार नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का अधिकार होता है, जो रिटायर हुआ है उसका अधिकार होता है, और ख्याति लाभ का भाग होता है, इसलिए इसने काम किया है तो उन दिनों के लाभ का हिस्सा इसे मिलेगा, इसलिए ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का अधिकार होता है। आगे देखिए, सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि किस्तों में भुगतान की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती किस्तों में, ये सत्य है। इकाई चार पर आते हैं हम, और इकाई चार साझेदारी फर्म का समापन की बात करते हैं। वसूली खाता है, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र का खाता, लावानी खाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वसूली खाता एक नाम मात्र का खाता होता है। दूसरा, फर्म के विघटन पर उसकी संपत्ति और दायित्व स्थानांतरित किए जाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाते में, लाभानि समायोजन खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में या वसूली खाते में। तो फर्म का विघटन हो रहा है यानी समापन के समय संपत्ति और दायित्व वसूली खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। तीसरा देखिए, फर्म के विघटन पर लाभानि खाते का शेष स्थानांतरित करते हैं। फर्म के विघटन पर जो लाभानि खाता होगा उसका शेष कहाँ हस्तांतरित करेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते में, वसूली खाते में, लाभानि वितरण खाते, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो साझेदारों के पूंजी खाते में हम हस्तांतरित कर देते हैं जो लाभ हानि होता है उसका। अब देखिए, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष खाता अंतरित करता है। बैंक अधिविकर्ष जो है वो अंतरित किया जाता है, कहाँ किया जाएगा वह है सीधे बैंक अधिविकर्ष खाता जो है वो रोकड़ खाते में अंतरित कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विघटन पर फर्म की संपत्तियां उसके खाली स्थान पर वसूली खाते में अंतरित की जाती है। तो विघटन पर फर्म की संपत्तियां, जो संपत्तियां उसके पुस्तक मूल्य पर, उसका जो मूल्य होगा, जो पुस्तक पे लिखा होगा वह मूल्य को हम पुस्तक मूल्य कहते हैं। पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते में अंतरित की जाती है। दूसरा, फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार स्वयं का खालिस्थान कर सकते हैं। तो फर्म के विघटन पर, फर्म विघटित हो गए उसके पश्चात साझेदार स्वयं का व्यापार या व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, अपना अलग से व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि फर्म का क्या हो गया है, विघटन हो गया है, अब साझेदार स्वयं के हिसाब से अपना अपना कारोबार अलग अलग कर सकते हैं उनकी मर्जी से। फर्म के समापन पर खालिस्थान का भी समापन हो जाता है। तो फर्म के समापन पर जो साझेदारी बनी है, जो हमारा ठहराव हुआ है, वो साझेदारी का समापन हो जाता है। अगला, साझेदारी, सभी साझेदारों का दिवालिया होना फर्म का अनिवार्य समापन कहलाएगा। क्योंकि सभी अनिवार्य समापन कहलाए, क्योंकि सभी दिवालिया हो चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए आगे, एक शब्द में उत्तर, वसूली खाता कब बनाया जाता है, तो फर्म के समापन पर बनाया जाता है। समय समाप्त हो जाने पर फर्म का विघटन क्या कहलाता है, तो यह अवधि समापन कहलाता है। और अलिखित दायित्व का भुगतान का लेखा वसूली खाते के किस पक्ष में किया जाता है, तो अलिखित जो दायित्व है उनका भुगतान करना, यानी पैसे हमारे पास से जाएंगे। अब जब पैसे जाएंगे तो इसका लेखा हमको, इससे पैसे जाने से क्या हो रहा है, व्यय ऐसा है, इसीलिए इसका लेखा आपको क्रेडिट पक्ष में करना होगा। अब वसूली खाते में वसूली खर्च का लेखा किस पक्ष में किया जाएगा, तो वसूली खर्च को डेबिट पक्ष में लेखा कर लिया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे और भी वीडियो लेकर आएंगे। साझेदारी समाप्त होती है, नमस्कार।